पापा जी बिजली का बिल आ गया है, लेकिन बहुत ज्यादा आया है। 90,000 बिल आ गया, इतनी कम बिजली यूज करने के बावजूद भी 90,000 बिल आ गया। इधर दिखाओ ना, मैं देखता हूँ कैसे 90,000 बिल आ गया। इतना बिल कैसे आ सकता है, हमारी फ्रिज भी नहीं है और एक लाइट और एक पंखा, तो फिर भी 90,000 बिल भेज दिया। मुझे लगता है वापटा वालों से कोई गलती हुई होगी। मैं पूछता हूँ ना जाके, कैसे इतना बिल भेज दिया। जी जी पूछे। एसडीओ साहब, एक मेरे पास पंखा और एक लाइट है और मेरे घर में कोई चीज नहीं है, तो आप ही बताएं मुझे 90,000 बिल कैसे आ सकता है। जिस तरह कैसे हो सकता है, काइंडली आप अपना बिल चेक करवाएं मुझे। हारिस साहब जी जी, ये इनका बिल स्टेटस जरा चेक करें। अच्छा साहब, मैंने इनका बिल स्टेटस चेक किया है, बिल तो वाकई इनको एक्स्ट्रा डाला गया है। और सान साहब, आपको बिल पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वापडा के रूल्स हैं, जो बिल एक बार आ जाए वो अदा करना ही पड़ता है। सर आप मुझे एक बात बताएं, जब आपका सिस्टम कह रहा है कि बिल मुझे गलत आया, तो बिल फिर भी मुझे अदा करना पड़ेगा, सर ये तो ज्यादती है, ये कहाँ का कानून है कि बिल मैं फिर भी अदा करूं। सर हमारा दिल नहीं करता कि हम आप लोगों से ज्यादती करें, आपको तो पता ही कि जैसे कि पाकिस्तान में 60-70% बिजली चोरी हो रही है, तो सर वो बिल आप लोगों भी तो डलने होते हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है। सर फिर वो लोग ठीक है जो बिजली चोरी करते और बिल भी नहीं देते, तो हमारा कसूर ये है कि हम बिल भी देते और ज्यादा भी हमारे साथ होती है। सर आप हमें क्यों कसवा रहे हैं, हम तो खुद गवर्नमेंट के मुलाजिम है, सब कुछ गवर्नमेंट के हैंडओवर है, हमारा काम यहाँ बैठना और वहाँ को डील करना। जी बिल्कुल, जैसे कि हम आपको डील कर रहे हैं। अच्छा तो आप इधर डील करने के लिए बैठे हैं, अवाम के मसाइल का हल तो नहीं निकालने के लिए बैठे, इसका मतलब अवाम को अपना हल खुद ही निकालना पड़ेगा। लाए दे इधर बिल मेरा। आसान भाई क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं, खैरियत तो है। यार आप मुझे छोड़ो, मुझे ये बताओ आप लोगों को इस दफा बिजली का बिल कितना आया। बिजली का बिल? आसान भाई आपका दिमाग ठीक है, इस दौर में कौन पूछता है बिजली के बिल का, और आप मार से बिल का पूछ रहे हैं। हैं? आप बिल नहीं दे रहे, मैं कुछ समझा नहीं हूँ, मुझे तो 90,000 रुपया बिल आ गया। क्या 90,000 रुपया बिल? आसान भाई वो क्या बात है, खैरियत तो है आपको, दिमाग सही है आपका। ओ यार अगर आप इस तरह बिजली के बिल देते रहे ना, तो 3-4 माह में आप अपना सब कुछ बेचकर वापटा के बिल ही पूरे करेंगे, उतनी देर में आप सड़क पे आ जाएंगे। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं बिल ना अदा करूं? बिल ना अदा करूंगा तो वो मीटर काट के ले जाएंगे, करूं तो मैं करूं क्या। आसान भाई आप तो हमें बहुत ही बोले लग रहे हैं, हुरैरा भाई बताएं आसान भाई को। आसान भाई जब हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है ना, हम तब की बिजली चोरी कर रहे हैं। आसान भाई इसी वजह से हम इतनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। आसान भाई अब सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी इन बिलों से अपनी जान छुड़वाना चाहते हैं ना, तो जाएं जो हमने आपको बताया इस बात पर अमल दरामद करें, जाएं। चलें ठीक है यार मैं चलता हूँ। देखे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, सारी चीजें भी बिक गई हैं, एक ये गरीब बचा है। सर हमारा दिल नहीं करता कि हम आप लोगों से ज्यादती करें, आपको तो पता ही कि जैसे कि पाकिस्तान में 60-70% बिजली चोरी हो रही है, तो सर वो बिल आप लोगों भी तो डलने होते हैं, अब इसमें हमारा क्या कसूर है।
एहसान भाई आप तो हमें बहुत ही भोले लग रहे हैं। हुरैरा भाई बताएं एहसान भाई को। एहसान भाई जब हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है ना, हम तब की बिजली चोरी कर रहे हैं। एहसान भाई इसी वजह से हम इतनी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर ऐसे काम रहा तो ये घर भी बिक जाएगा और सारा कुछ मेरा बिजली के बिलों में चला जाएगा। इसका हाल यही है, जो रील लोगों ने मशवरा दिया ना वो बिल्कुल ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं भी बिजली चोरी करता हूँ। हमारे घर क्या कर दूं? पुलिस, पापा जी बहुत पुलिस आई है, मेरे घर से आपको पकड़ने आई है। हैं? हाँ पुलिस पुलिस।